बड़ी जबरदस्त बात यहां पे भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने लिखी, खमी अव्वम खमावी अव्वम उव समी अव्वम उव समावी अव्वम, जो उव समय तस्स अथि आराहना, जो न उव समय तस्स नथी आराहना। पूर्वधर भद्रबाहु स्वामी महाराज यहां लिख रहे हैं बारसा सूत्र नाम के ग्रंथ के भीतर कि खमो और खमाओ, क्षमा करो और क्षमा मांगो। क्यों क्षमा मांगनी, क्षमा की जरूरत क्या है, क्षमा का महत्व क्या है, क्यों क्षमा के ऊपर इतना जोर दिया गया? शायद विश्व में एकमात्र जैन धर्म ऐसा धर्म है जहां पूरे साल में एक बार सभी को समापना की जाती है, सभी से एक समापना मांगी जाती है। मैं जानता हूं वहां तक विश्व के कोई धर्म में इतनी अद्भुत व्यवस्था नहीं कि पूरे साल में आपने जिस किसी के भी साथ अन्याय किया हो, जिस किसी को दुख दिया हो, जिस किसी को परेशान किया हो, जिस किसी को पीड़ा दी हो, किसी छोटे बड़े जीवों की हिंसा करी हो, किसी को हर्ट हो जाए ऐसे शब्दों का उच्चारण किया हो, हमारे व्यवहार की वजह से किसी को पीड़ा हुई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, और मात्र इंसानों को नहीं, मात्र मनुष्यों को नहीं, मात्र जानवरों को नहीं, मात्र पशु पंखियों को नहीं, लेकिन विश्व में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी के इसलिए सभी प्राणी को क्षमा मांगने की बात हमारा जैन धर्म करता है। कहता है कि सभी की क्षमा मांगनी पड़ेगी, सभी से क्षमा मांगनी पड़ेगी और तुझे मांगनी पड़ेगी। क्षमा दे देना शायद आसान है, लेकिन क्षमा मांगना थोड़ा कठिन है। कोई आपके पास दो हाथ जोड़कर आए, मेरी गलती हो गई मुझे माफ कर देना और मुंह से शब्द निकल जाए, ठीक है कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ये थोड़ा सरल है। लेकिन हम किसी के द्वार पर जाए, हम किसी के दरवाजे पर जाए, हम किसी के पास जाए, हम किसी के समीप जाए, हम किसी के नजदीक जाए, अपने दो हाथों को जोड़े, मस्तक को झुकाए, कमर से थोड़ा झुके और दो हाथ जोड़कर ये कहे, हे भाई पूरे साल में मेरे द्वारा, हे बहन पूरे साल में मेरे द्वारा कोई भी गलती हुई हो तो मैं क्षमा मांगता हूं, ये कहना बड़ा कठिन है। और हमारे यहां लिखा गया कि संवत्सरी प्रतिगमन तब तक सार्थक ना होगा। आज आपने संवत्सरी प्रतिगमन किया, संवत्सरी प्रतिगमन करोगे, लेकिन संवत्सरी प्रतिगमन तब तक सार्थक ना होगा जब तक तीन चीजें आपके पास नहीं है। संवत्सरी प्रतिगमन का लक्ष्य यही है, संवत्सरी प्रतिगमन का टारगेट यही है, संवत्सरी प्रतिगमन का एकमात्र केंद्र बिंदु यही है। पूरा प्रतिगमन कर लो, लेकिन समापना नहीं करी तो पूरा प्रतिगमन नहीं, पूरा पर्युषणा आपका शून्य हो जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने ये कल्प सूत्र, ये बारसा सूत्र ग्रंथ के माध्यम से लिखी, जो उव समय तस्स अथि आराहना, जो न उव समय तस्स नथि आराहना। कहा कि आपके भीतर में उपशम का भाव है, क्षमा का भाव है, किसी के पास क्षमा मांगने का भाव है, किसी के सामने झुकने का भाव है, आप क्षमा मांगने को तैयार हो तो ही आपकी आराधना सार्थक है। तस्स अथि आराहना, जो न उव समय तस्स नथि आराहना। यदि आपके भीतर क्षमा की भावना नहीं है तो आपकी आराधना शून्य है। ये गलत फहमी में मत रहना कि संवत्सरी प्रतिक्रमण कर लिया हमारे सारे पाप धुल गए, ये गलत फहमी आप लोगों के मन की। शास्त्रकार भगवान कहते कि भीतर से जब तक सभी को माफ नहीं कर दिया, भीतर से जब तक सभी के सामने माफी मांग नहीं ली, और हम ऐसे इंसान हैं जिससे कुछ नहीं हुआ उसके सामने जाकर तो माफी मांग लेते हैं, लेकिन जिनके साथ मन मुटाव है, जिनके साथ हमारी अनबन है, जिसके साथ हमारा मनता नहीं है, जिसके साथ हमारा कुछ ना कुछ वाद विवाद चल रहा है, उसके सामने जाकर के माफी नहीं मांग, एक व्हाट्सएप छोड़ देना, एक फोन कर देना, लेकिन किसको,
जिसके साथ आपकी अनबन है, जिसके साथ आपकी बोलचाल बंद है, जिसके साथ आप बातचीत नहीं करते हैं, उनके सामने जाकर के माफी मांगना, तभी यह प्रतिक्रमण सार्थक होगा, तभी यह प्रतिक्रमण सफल होगा। वरना परियोजना महापर्व तो हर साल आते हैं, हर साल पूरे हो जाते हैं, हम वैसे के वैसे रह जाते हैं। अरे हमारा जिन शासन ये कहता है एक संवत्सरी प्रतिक्रमण यदि भाव से किया जाए, एक संवत्सरी प्रतिक्रमण यदि क्षमा देने के बाद किया जाए, एक संवत्सरी प्रतिक्रमण यदि भीतर में समा का भाव रख कर किया जाए, तो एक संवत्सरी प्रतिक्रमण आपके एक साल के नहीं, आपके दस साल के नहीं, आपके सौ साल के नहीं, आपके एक भव के नहीं, आपके भवो भव के पापों को मिटा सके, ये ताकत संवत्सरी प्रतिक्रमण में। प्रतिक्रमण तो कर लिया, लेकिन जब तक समा नहीं मांगी, जब तक माफी नहीं मांगी, तब तक प्रतिक्रमण भी आपका निरर्थक है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझ लीजिएगा, आज संवत्सरी महापर्व का पावन दिवस है, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले नंबर में मन को साफ करो। मन की सफाई जरूरी है। हम दीपावली आती है तो घर की सफाई करते हैं, और पर्युषणा आता है तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि मन की सफाई करो। दीपावली यदि घर की सफाई का पर्व है, तो ये पर्युषणा, ये संवत्सरी, ये मन की सफाई का पर्व है। घर में यदि सफाई न की जाए तो दीपावली जैसा माहौल नहीं लगता, दीपावली जैसा कुछ मन में लगता नहीं है। इसी तरह से मन की सफाई न की जाए ना, तो संवत्सरी भी हमारे लिए फेल है। मन की सफाई का पर्व है संवत्सरी। आज रो लेना प्रभु के पास जाकर के, अकेले बैठ करके आलोचना कर लेना कि पूरे साल में कितने पाप हुए, कितने लोगों का जी दुखाया, कितने लोगों को परेशान किया, कितनी पीड़ा करी, किसकी किसके लिए मैंने कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया। एक बार बैठ के संवत्सरी प्रतिक्रमण के पहले 10-15 मिनट 20 मिनट का समय निकाल करके अपने आप के पापों का पश्चाताप कर लेना। आज ये करने जैसा है। साल भर तो हम नहीं कर पाते, लेकिन आज का दिन बहुमूल्य है, आज का दिन महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मन को साफ करने का यदि कोई अवसर है, तो ये पर्युषणा महापर्व, ये संवत्सरी महाप्रतिक्रमण, और प्रतिक्रमण करते करते भी मन साफ ना रहा, मन के कोई कोने में कचरा भरा हुआ है, किसी के लिए गलत भाव भरे हुए हैं, किसी के लिए गलत विचार भरा हुआ है, किसी के लिए गलत भ्रामक मान्यताएं भरी हुई है, तो समझना संवत्सरी प्रतिक्रमण भी हमारे लिए निरर्थक बन जाएगा। मन को साफ करो। आज जब आप संवत्सरी प्रतिक्रमण कर रहे हो, तब मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं मन को साफ करो। बिना मन की सफाई के संवत्सरी आपके लिए निरर्थक है। नंबर 2, जीवों को माफ करो। जो भी आपके आसपास में है सभी को माफ करो। माफी मांग लो, माफी दे दो। जो भी अवसर बना हो, जो भी उस समय जो भी घटना बनी हो, उस समय जो भी संयोग बना हो, आपकी गलती हो, सामने वाली की गलती हो, ये नहीं देखना है। देखना ये है कि मेरा चित्त शुद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा। हम यही बातों में उलझ जाते हैं। पहले उसने बोला था, पहले उसने कहा था, शुरुआत उसने करी थी, उसने मुझे उकसाया था, तब जाके मैं क्रोधित हुआ था, उसने मुझे ये कहा था, इसीलिए मेरे ऐसे शब्द निकले थे। हम हर हमेशा सामने वाले को टारगेट करते हैं, हम हर हमेशा ये कोशिश करने में रहते हैं, हर हमेशा ये दिखाने में रहते हैं कि हम बड़े निर्दोष है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं, समझ लेना सबसे बड़ा दोषी तू ही है। इसलिए जीवों को माफ करो, सामने वाले के ऊपर मत डालोगे। तुम्हारी गलती थी, तुमने बोला था, शुरुआत तुमने करी थी, तुमने मुझे उकसाया था, तुमने मुझे क्रोध दिलवाया था। अरे मूर्ख, तू क्यों गलती करता है? सामने वाला तो तुझे निमित्त देगा, निमित्त तो हर कदम कदम पे मिलेंगे, हर कदम पे निमित्त तेरे सामने आएंगे, लेकिन तू क्यों गलती करता है? इतना जिन शासन मिलने के बावजूद भी तेरे भीतर इतनी समझ, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि मुझे क्रोध नहीं करना है। हृदय को, मन को साफ करो, जीवों को माफ करो, और तीसरा सूत्र शास्त्रकार भगवंतों ने दिया, कर्मों को खाक करो। आज प्रतिक्रमण करके करना क्या है? हमारे बंधे हुए कर्मों को तोड़ना है, बंधों को, बंधे हुए कर्मों को खाक करना है, बंधे हुए कर्मों को खत्म करना है, और ये हम नहीं कर पाए तो समझ लेना हम कुछ भी तो नहीं कर पाए। जो कर्म का भार लेकर हम बैठे हुए हैं, उसको खाक करना है, उसको जला देना है। कहा संवत्सरी प्रतिक्रमण वो माचिस की तिली जैसी,
यदि आपको सही ढंग से जलाना आए, आपको सही ढंग से आत्मा के भीतर ज्ञान की ज्योत प्रगटाना आए, आपको सही ढंग से हृदय के भीतर ज्ञान की ज्वाला प्रगटाना आए, तो आपके सभी कर्मों को खाक कर दे। ये ताकत संवत्सरी प्रतिक्रमण के भीतर है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जब संवत्सरी महापर्व का पावन दिवस है, सभी जीवों को माफ करना है, हृदय को मन को साफ करना है, कर्मों को खाक करना है, और ये तीन चीज हम नहीं कर पाए तो समझ लेना संवत्सरी हमारे लिए निरर्थक हो जाए। हर साल संवत्सरी आती है, हर साल चली जाती है, हर साल हम परियोजना महापर्व की आराधना करते हैं, हर साल परिपूर्ण कर लेते हैं, हर साल प्रतिक्रमण करने बैठ जाते हैं, हर साल प्रतिक्रमण की परिपूर्णता हो जाती है, लेकिन जब तक ये तीन स्टेप्स हम नहीं कर पाए तो समझना कि जीवन में हम अभी तक सही मायने में परियोजना महापर्व की आराधना नहीं कर पाए। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, सबसे पहले नंबर में मन को आज बैठ करके समय निकाल लेना, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पूरे साल में, पिछले संवत्सरी से ये संवत्सरी तक मैंने किस किस का दिल दुखाया, किसको परेशान किया, किसको दुखी किया, कहां मेरे भीतर क्रोध की जागरण भावना जगी, कहां मेरे भीतर काम की भावना जगी, कहां मेरे भीतर अहंकार जगा, जितना याद आता उतना याद कर लेना और देव गुरु और धर्म की साक्षी से माफी मांग लेना कि प्रभु मैं बड़ा गुनहगार। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं तीन चीज आज जरूर कर लेना। सबसे पहले नंबर में मन को साफ करो, जीवों को माफ करो, और तीसरे नंबर में कर्मों को खाक करो। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।